काम कर। हे कुमार, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई नारी। विधाता ने ये जोड़ी बड़ी सोच कर रची है। मैंने 3 साल तक तीनों लोकों में भ्रमण किया, किंतु किंतु मुझे मेरे योग्य कोई वर ना मिला। अब तुमको देखकर मन कुछ माना है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम मुझसे विवाह करो। अरे, मैं विवाहित हूँ और मेरे साथ मेरी भारिया है। फिर मैंने एक पत्नी व्रत किया है, अतः मैं आपकी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूँ। हाँ, मेरा भाई वहाँ जंगल में अकेला है। ऐसा करो, तुम उसके पास जाओ। चलो, छोटा भाई ही सही, वह भी ठीक है। अजी, नमस्कार। देखो तो कितना सुहाना मौसम है और तुम अकेले बैठे हो। तुम भी दो हो जाओ ना। सुंदरी, मैं उन प्रभु का दास हूँ। मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी दासी ही बनना पड़ेगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वो जो कुछ करे सब फबता है। ठीक है, तो सुनते हैं। मैं तो ना कहते हैं, मैं तो आपके संग ही विवाह करूंगी। कोई बात नहीं, ये भी पड़ी रहेगी, एक कोनी में दासी बनकर पड़ी रहेगी। तुम उन्हीं के पास जाओ। परीक्षा लेने आई है। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं विवाह नहीं कर सकता आपसे। ये रही मेरी पत्नी सीता। तो इससे तो मैं अभी समाप्त।